मैं सबसे पहले घोसी विधानसभा के हमारे सभी मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जितना बड़ा मैदान हमें दिखाई दे रहा है उससे ज्यादा हमें लोग चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। इस मैदान का कोई कोना खाली नहीं है। घोसी विधानसभा के मतदाताओं ने मन बना लिया है, जो पलायन करने वाले हैं, जिन्होंने पलायन किया है और लोकतंत्र में जो वोट का विश्वास तोड़ा है, इस बार घोसी विधानसभा की जनता उन्हें सबक सिखाने जा रही है। इस विधानसभा की कोई अब सुध लेगा, इस विधानसभा की सुध लेने वाला अगर कोई है तो वो सुधाकर, सुधाकर सिंह जी। ये आम लोगों के प्रत्याशी हैं, आपके प्रत्याशी हैं, आपके बीच के हैं। ये चट्टी चौराहे पर जहां चाहो वहां रोक लो ऐसे नेता हैं, आपके बीच के हैं, जिन्होंने मतदाताओं को धोखा दिया था, उनको सबक सिखाने के लिए ये जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है ये बता रहा है कि सुधाकर सिंह इस बार ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। मैं कई दिनों से लगातार घोसी विधानसभा में प्रचार जो हो रहा है उसको देख रहा हूं। कोई नेता बीजेपी का जो मंत्री है, शायद कमी मंत्री बचे होंगे जिन्होंने घोसी में आने का काम नहीं किया हो। घोसी में मंत्री, एक मंत्री, दो मंत्री, तीन, न जाने कितने मंत्री आए हैं और यहां पर जितने लोग खड़े हैं वो जानते होंगे कि एक मंत्री एक किसान के हाथ को पकड़ करके खेतों में घूम रहे थे। मंत्री जी ने पूछा कि यहां पर कौन जीतने वाला है, पहले तो ज्यादा वोटों से इस बार जिताओगे, पहले हजारों से जीते थे इस बार उससे ज्यादा जीतेंगे। जो मंत्री किसान का हाथ पकड़े जा रहे थे उन्हें लगा कि किसान उनके धोखे में आ जाएगा, उनके जुमलों में फंस जाएगा। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं उस पत्रकार को, मंत्री जी के जाने के बाद, जिन्होंने हाथ पकड़ करके अपने खेतों में घुमाया था। जब पत्रकार साथी ने पूछा कि कौन जीतेगा यहां से, वो गरीब किसान गांव में रहने वाला हमारा, उसने कहा कि सुधाकर यहां से हजारों वोटों से जीत करके जाने वाले हैं। ये मंत्री अपनी उपलब्धि नहीं बता रहे। जिस मंत्री ने किसान का हाथ पकड़ा था, तमाम मंत्री आ रहे हैं धोखा देने, अपनी उपलब्धियां नहीं बता रहे यहां आकर के। वो किसान जो अपनी पैदावार की चिंता में डूबा है,
उसकी फसल की कीमत कैसे मिले। ये मंत्री जो घूम रहे सरकार के, वो ये नहीं बता पाए कि डीजल सस्ता मिलना चाहिए किसान को, खाद कीटनाशक दवाई, और जब हमारे किसान की पैदावार तैयार हो जाए तो ये बीजेपी के लोग बताना भूल गए कि लाल किले से लेकर के मंचों तक कहा था कि हमारे किसान की पैदावार जो होगी उसकी आय हम दोगुनी कर देंगे। यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं या किसान, बताओ ये डबल इंजन की सरकार वालों ने किसी किसान की आय दोगुनी की हो तो बताइए। ये लोग कह रहे डबल इंजन, डबल इंजन से कुछ नहीं होता, इंजन का ड्राइवर अच्छा होना चाहिए। हमें वो ड्राइवर नहीं चाहिए इंजन का, जो इंजन छोड़ करके ड्राइवर भाग गया हो। हमने अपने बीच का नेता चाहिए, हमें अपने बीच का नेता। ये लोग जो दूर दूर से घोसी में चल करके आए हैं, उनकी भाषा आपने सुनी होगी विरोधियों की, विरोधी न जाने क्या क्या कहने लगे हैं। जो विरोधियों की भाषा बदली है वो इसीलिए बदली है कि यहाँ का किसान, यहाँ का गरीब, यहाँ का नौजवान सब जाति धर्म तोड़ करके साइकिल के साथ और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब तो हिसाब किताब केवल हिसाब किताब इस बात का नहीं है, हिसाब किताब तो बीजेपी को दिल्ली की 10 साल की सरकार और उत्तर प्रदेश की 6 साल की सरकार का देना है। बताओ घोसी की जनता इन 16 सालों में क्या आपको कोई सुविधा दे पाई है बीजेपी के, नहीं दे पाई है। अगर बीजेपी के लोगों ने सुविधाएं दी होती तो आज इतनी मंत्रियों की फौज उन्हें नहीं उतारनी पड़ती यहां पर। इतने जो मंत्री आए हैं वो अपना काम नहीं बता रहे, वो कुछ और इंतजाम में लगे हुए हैं, अकेले में जाकर के कुछ और इंतजाम कर रहे हैं। बताओ इंतजाम को जो इंतजाम कर रहे हैं कहीं उसके धोखे में तो नहीं आ जाओगे आप लोग। चुनाव से पहले ये जनता में जब हार गए हैं तो प्रशासन को आगे कर देंगे, ये प्रशासन के लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन हमें पता है घोसी की बहादुर जनता है, ये प्रशासन से तो नहीं घबरा जाएगी। अगर आपको मुकाबला भी करना पड़े तो अपने वोट के अधिकार के लिए मुकाबला करना, क्योंकि घोसी विधानसभा का संदेश केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, घोसी विधानसभा के एक एक वोट का संदेश देश में जाने वाला है, क्योंकि देश में कहीं और चुनाव ऐसा नहीं होने जा रहा है। कम से कम ये संदेश घोसी की जनता दे कि जिन्होंने कोई काम नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है, उनको सबक सिखाने का काम करेंगे अपने वोट दे करके। वैसे तो पलायन लोग करते हैं अपने काम रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, लेकिन ये तो
पहले विधायक दिखाई दे रहे हैं जो अपने स्वार्थ में पलायन कर रहे हैं, अपने लाभ के लिए पलायन कर रहे हैं। क्या ये जनता को सुविधा देने के लिए पलायन कर रहे हैं कि अपने लिए पलायन कर रहे हैं? ये अपने लिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अपना स्वार्थ देख रहे हैं। जो अपना स्वार्थ देख रहे हैं वो आपके जीवन में बदलाव नहीं ला सकते। अगर इन्होंने जीवन में बदलाव लाते आपके, तो कहीं न कहीं आपको सुविधाएं देते। ये सरकार ऐसी है जहां गरीब को इलाज नहीं मिल पा रहा है, दवाइयां नहीं, अस्पताल में चले जाओ तो डॉक्टर देखने वाले नहीं हैं, जो कुछ है गरीब को अपने हाल पे छोड़ दिया, जो